Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. So I just started a new vlog today. क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ भी मुझे नहीं पता है. जस्ट मैंने रैंडमली एक व्लॉग स्टार्ट किया है. अभी मुझे जाना है प्लांट शॉपिंग के लिए, तो कुहू को मैं छोड़ करके जाऊंगी. और आज मैं उसको दिन से सुला रही हूँ. मतलब जिस दिन मैं एक्साइटेड होती हूँ ना, मैंने बताया ना, मैंने आई थिंक शादी वाले व्लॉग में बताया था, मैं एक्साइटेड होती हूँ और जब मैं उसको वैसे फीड कराती हूँ वो फीलिंग उसके पास ट्रांसफर हो जाती है. शी गेट सो एक्साइटेड कि वो सोती नहीं है, भले उसका सोने का टाइम भी हो. तो यही हुआ है. तो चलिए चलते हैं प्लांट शॉपिंग के लिए. तो चलिए चलते हैं फटाफट से प्लांट शॉपिंग के लिए. तो कुहू है, उसको मैंने सुला दिया है, बड़ी मुश्किल से सोई. उसको पता चल, सेंस कर लेती है वो कि मैं कहीं जाने वाली हूँ. विक्की के पास सो रही है यहाँ पर, और मैं तब तक फटाफट से चलिए आपको लेकर के चलती हूँ. मैं इतना थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ बिकॉज़ मैं 7 मंथ्स के बाद गाड़ी चला रही हूँ. हालांकि मैंने भोपाल में चलाई है, बट भोपाल की जो गाड़ी है वो छोटी गाड़ी है और वो भी जरा सी 10 रस्ते तक चलाई थी. हालांकि मैं अभी विसिनिटी में ही रहने वाली हूँ, ऐसे कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, बट स्टिल थोड़ा सा मुझे लग रहा है. बट हाँ, मैं चला लूँगी गाड़ी, आई एम कॉन्फिडेंट, बिकॉज थोड़े टाइम बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर ट्रैफिक वगैरह में भी निकालना स्टार्ट करूँगी. तो या लेट्स गो. तो प्लांट्स की शॉपिंग हो गई है. बिल्कुल मेरे घर के बगल में ही मुझे सारे प्लांट्स मिल गए. मतलब मैं पूरी दुनिया घूम रही थी और सारे जो जो मुझे चाहिए था ना वो सब यहीं मिल गए मुझे. तो नाउ आई एम हैप्पी एंड गोइंग. पैदल भी आती ना तो भी चलता. ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं शायद गाड़ी ढंग से नहीं चला पाऊंगी, बट नाउ आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. विक्की भाई बोलता है ऐसी चीजें भूलते नहीं है, बट थोड़ा सा एक अंदर डर था ना कि कहीं वॉट इफ. यहाँ से मुझे टर्न लेना चाहिए था. कुहू इज स्लीपिंग. विक्की के साथ में वो कभी नहीं सोती है आधे घंटे से ज़्यादा. वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है उसके साथ में कि जैसे ही विक्की रूम में भी आता है ना, तो वो अगर सो रही होती है, उस जोन में होती है सोने वाले, वो आँखें फट से खोल लेती है एनर्जी में. इतनी एक्साइटेड हो जाती है. उसको ऐसा लगता है क्योंकि विक्की उसके साथ मस्ती करता है. मस्ती कैसी, डैड हूँ, पटका इधर पटका उधर पटका, तो वैसी वाली मस्ती करता है. तो उसको ऐसा लगता है कि बस मस्ती करूँ मैं. चलो अभी मैं यहाँ पे आ सकती थी टू व्हीलर से भी, बट टू व्हीलर जो मेरी है ना वो बहुत टाइम से, आपको पता होगा जब हम शिफ्ट हुए थे तब मैं यहाँ ले आई थी, फिर हम लोग चले गए थे तो बारिश में वो पड़ी हुई थी. तो टू व्हीलर ऐसा है ना कि यहाँ पूरा आसपास का आपको जो भी काम करना है, सब्जी लाना है, ये लाना है, वो लाना है, हर बार कार कौन निकालेगा. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं. सब जगह की लाइट्स वगैरह ऑन कर ली है. ये मैडम लेटी हुई हैं, विक्की इसको नीचे ले गया था. विक्की बोला जैसे ही मैं गई उसके 5 मिनट बाद ये उठ गई थी. तो इन सब ने मुझे ऐसा बदनाम करके रखा है कि वो सिर्फ मेरे पास ही सोती है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे पास ही सोती है. उसको सुलाने का तरीका मुझे पता चल चुका है. मतलब नॉट इवन, सिर्फ वो गोदी में नहीं सोती है, ऐसे नीचे. कल मैं इस पे, इसके स्ट्रॉलर पे इसको सुलाई हुई थी, 4 बजे से सोई थी, जिसमें 6:30-7:30 बजे उठी है. हाँ, थोड़ी सी वो ऐसे कुनकुन करती है. अगर आपने उस कुनकुन में उसको वापस से सुला दिया तो सोती रहेगी, अदरवाइज़ फिर वो उठ जाती है. तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ऐसे करती तो धीरे धीरे हिलाते रहेंगे. झूले पर सो रही है तो झूला दे दो, पास में सो रही है तो थोड़ा थपथपा दो, ऐसे कुछ उसको करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर वो उठ जाती है. तो वो मैं ध्यान रखती हूँ इसलिए, और मैं इसलिए भी ध्यान रखती हूँ कि फिर मुझे वो मेहनत करनी पड़ेगी आधा एक घंटे वाली उसको सुलाने की. तो ये, और ये जो स्ट्रॉलर है ये इसको इसकी अंकिता मासी ने गिफ्ट किया है. मेरे बर्थडे के दिन ही आई थी वो, तो वो लेकर के आई है इसके लिए. एंड शी इज़ इन्जॉइंग एक्चुअली उसका जो स्ट्रॉलर है उस पर बड़ा इन्जॉय कर रही है वो नीचे. अब डेली इस पर वॉक पर जाती है एंड ऑल दैट. बस प्लांट वाले को मैं सब कुछ देकर के आ गई हूँ, अमाउंट वगैरह सब कुछ. बस मैंने, पहले मैं क्या करती थी, खुद ही मेहनत करती थी, लगाती थी. अभी मैं उनको एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देती हूँ. वो लेके भी आते हैं, वो लगा भी देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि अभी लगाने का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधा एक घंटे में इसको उठाना भी पड़ता है गोदी में. तो वो मिट्टी मिट्टी वाला काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी.
उसकी डॉल पास में है, उसको नीचे लेकर गया था। एक्चुअली शाम को ना यहाँ पे बहुत हवा चलती है, बहुत पतला है ये, बहुत पतला है, देखिए एकदम कॉटन का है, तो वो उसको इसमें कॉटन के इसमें लेके चला गया था ताकि हवा भी चले तो कान में ना जाए उसके। और हालांकि वो कुछ स्वेटर वेटर नहीं पहनी है, सिर्फ पैरों में सॉक्स पहनी है और कान उसके बंद कर रखे हैं और एक अंदर इनर पहनी हुई है, इनर मतलब सैंडो पहनी है कॉटन का, दैट्स इट। और अभी ये इंजॉय करती है, ये जो लाइट्स लगी हुई है ना बाहर उनको देखती रहती है मस्त तरीके से, तो ये वही देख रही है। तो जब तक ये वो देखती है हम लोग करते हैं पूजा। वैसे तो आई वियर दिस फीडिंग टॉप, ये काफ़ी इजी रहता है घर में पहनने के लिए, इसको फीड वीड कराने के लिए, बट जब मैं कहीं जाती हूँ तो फिर मैं इसको चेंज करके नॉर्मल टॉप पहन लेती हूँ। वाई? बिकॉज ये ना ऐसे उठा उठा सा थोड़ा अजीब सा हो गया है, मैं इतने मतलब भोपाल में तो मैंने इसको इन सब टॉप्स को रेगुलर ही पहना हुआ है, तो इसलिए अभी मैं इसको हटा देती हूँ, चेंज वेंज कर लेती हूँ। एंड यस, अभी तो चंपू से बाल हो रखे हैं मुझे, आई डेस्परेटली वॉन्ट टू कट माई हेयर, मतलब छोटे कराने हैं मुझे। जैसे मेरे बाल कमर तक हो गए हैं, मतलब जहाँ 2-3 महीने हो जाएंगे मेरे बाल जितना पुरानी लेंथ थी उतने ही हो जाएंगे। जब मैं ओपन करती हूँ तो आराम से ये यहाँ पीछे तक आते हैं, तो बट हेल्दी नहीं है, मतलब झड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट, विक्की मेरे को यही बोलता है कि ना दिस इज़ द टाइम यू शुड गेट योर हेयर शॉर्टर, कि मेंटेनेंस कम लगे। तो आप बात सही कह रहा है, तो अभी मैं बाल अपने कटवाऊंगी, तो देखते हैं। ओके, तो शेयरिंग अ वेरी सिंपल एंड टेस्टीएस्ट चटनी की रेसिपी। तो ये जो है ये हरा लहसुन है, कच्चा लहसुन जिसको बोलते हैं, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा इजीली, तो उसको पील करके इस तरीके से कट कर लेना है। आप ये चटनी ट्राई ज़रूर करिएगा, मज़ा आ जाएगा, हर चीज़ के साथ इतनी यमी लगती है। वैसे मुझे लहसुन इतना पसंद नहीं है, बट मुझे कच्चा लहसुन बहुत सही लगता है, तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से कट कर लिया है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लहसुन कट किया था उसको जार में डाल दिया है। अब आपको क्या क्या चीज़ डालनी है, इसके अलावा जो डालना है वो है हल्का सा सॉल्ट, तो काला नमक मेरे पास नहीं था, आप इसमें काला नमक डालिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। जीरा बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब कुछ सिका विका नहीं, नॉर्मल कच्चा जीरा जो होता है वो डालना है, एंड साथ में धनिया डालना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, एंड योर चटनी इज़ रेडी। हर चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगती है, ये ट्राई करिएगा। ओके गाइस, सो आई एम जस्ट हैविंग माय डिनर। आपको मेरे फेस से ना हल्की सी, जैसे पहले बहुत फ्रेशनेस दिखती थी ऑब्वियस रीजंस की वजह से, अभी थोड़ी उतनी नींद नहीं हो पाती है, सो आई एम हैविंग माय डिनर। विक्की की कॉल चल रही है, विक्की का ऑफिस कैसा स्टार्ट हो गया, जाना पड़ता है अब उसको, हाइब्रिड सिस्टम में हालांकि हुआ है, बस हफ्ते के पूरे 5 दिन नहीं जाना है उसको, बट हाँ 3 से 4 दिन जाना है। जैसे अभी 2 दिन हो गया था, आज नहीं गया है, अब कल जाएगा ऐसे, तो अभी जिस दिन वो है वो संभाल लेता है। हालांकि विक्की नहीं भी था तो मैं आराम से हैंडल कर ले रही थी आराम से, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे, टचवुड। तो मैं डिनर करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब सोने का टाइम हो चुका है, ये हमारा मॉस्किटो नेट लग गया है, तो हम बिना मॉस्किटो नेट के नहीं सोते हैं, पहले भी नहीं सोते थे, और अब तो ये मैडम आ गई हैं तो अब तो बिल्कुल ही नहीं सोएंगे। तो नाइट रूटीन कर रही हूँ मैं, तो कुछ नहीं करती अब नाइट रूटीन में, सिर्फ मैंने बताया ना फेस वॉश करती हूँ और जो एलमंड ऑयल इसको मसाज करूँगी वही मैं अपने चेहरे पर लगा लूँगी, बट अभी मैं नहीं लगाती चेहरे पर वो, ये जो मुझे डॉक्टर ने लोशन दिया है मैं वही लगा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई एलर्जी, तो काफ़ी सब्साइड हो गई है, बट अभी ये मार्क्स पता नहीं कब तक जाएंगे। तो वेदर चेंज की वजह से ना कुहू को थोड़ी सी सर्दी खांसी है, तो मैं यहाँ पर ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है और उसको अच्छे से कूट लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ी सी अजवाइन, और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, तो इसको मैं अच्छे से चटकारूँगी। दूसरे तवे पर मैंने अजवाइन डाली है, फ्लैक्सीड डाली है, इसको मैं थोड़ा सा ब्राउनिश, जब तक वो ब्राउन टर्न होता है ना धुआं निकलने लगेगा तब तक इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ, और यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो लिटरली उसकी अब, मतलब जब वीडियो बना रही थी तब तो नहीं, अभी लेकिन उसकी सर्दी खांसी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है, ये वर्क बहुत अच्छा करता है। तो देखिए इसको आप ऐसे निकाल के छान करके रख लीजिए ऑयल को, जब भी कफ कोल्ड होता है बच्चे को तो उसके पैरों के तलवे पे और हल्का सा चेस्ट पे बस इसको लगाना होता है, पूरी मसाज भी मैं इससे नहीं करती, इसलिए मैं इतना सा लेके आई हूँ, घर से ही लेके आई हूँ, और किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। और यहाँ पर जो मैंने बनाया था अजवाइन और फ्लैक्सीड को, उसको मैंने एक पोटली में डाल दिया है और यहाँ पर कपूर डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे आप चेस्ट पे सेक सकते हैं और उसको गा सकते हैं, मतलब इस वाले मेथड से तो लिटरली सेकंड डे उसका पूरा कफ बाहर आ गया था।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे। मैं उठ जाती हूँ 8 बजे, 8:15 बजे मैं कुहू को उठाती हूँ। मतलब वैसे तो वो खुद ही उठ जाती है, बट ये मैंने उसकी आदत डाली है कि अगर वो सो भी रही होती है ना तो हम लोग उसको उठा देते हैं ताकि एक उसका रूटीन सेट रहे। तो वो 8 बजे उठ जाती है, तो कभी कभी खुद से भी उठ जाती है, कभी कभी क्रैंकी होकर भी उठ जाती है, कभी कभी हंस के उठती है। तो वो डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर, बट हाँ ये 8 बजे हम उसको उठा देते हैं। 8 से 8:15 के बीच में उसका मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ना प्लांट्स वगैरह आए हैं, कल देखो। वो कल जो मैं प्लांट्स लेकर के आई ना, तो एक्चुअली इस बार बर्थडे पे मेरा ये था कि मुझे कुछ भी अपना, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, मैंने अपने लिए सिर्फ फ्लावर्स खरीदे और प्लांट्स खरीदे। कैसा होता है ना, विक्की थोड़ा चिढ़ता है, बड़े बड़े प्लांट्स क्यों लेती हो, भैया मुंबई में प्लांट्स महंगे आते हैं और इंडोर प्लांट्स महंगे आते ही हैं, है ना। तो मैं कल शांति से गई, अभी तक तो मैं विक्की के साथ जा रही थी प्लांट लेने के लिए, तो मैं सस्ते सस्ते उठा के लेके आ गई कि चलो ये ले आए ये ले आए। तो जो अच्छे अच्छे प्लांट थे जो इंडोर मुझे लगाने थे वो थोड़े महंगे आते हैं, तो वो मैं कल गई कल्टी में और आकर के विक्की बोले कितने के उठा के लाई थी, मैंने बोला 2000 के। अब क्या वो प्लांट वाले का फ़ोन आ गया गलती से, और मेरी आदत है मैं स्पीकर पर बात करती हूँ। मतलब मैं यूजुअली, मेरा फर्स्ट जो होता है मैं कान पर बहुत कम लगाती हूँ फ़ोन। मैं ना बात कर रही थी और वो मुझे बोलता मैडम आपने इतना डाला क्या, मैंने कह रही भैया मैंने 3200 रुपये डाले ना आपको, तो विक्की वही खड़ा हुआ तो उसकी आँख फटी की फटी रह गई। इतना सुन, मैं आपको लोगों को असलियत दिखाता हूँ। ये प्लांट लेके आई है मैडम, ये 600 रुपए का है, 500 रुपए का है। हाँ। बाहर का नहीं दिखाना यार। नहीं, हम दिखाएंगे। हाँ नहीं तो बाहर का नहीं दिखाना अभी वो। हाँ, तो जो सबसे महंगा प्लांट है ना वो ये है, ये मिलता नहीं है बहुत इजीली, ठीक है। तो ये सबसे एक्सपेंसिव प्लांट है, उसके बाद ये है चाइनीज एवरग्रीन है, ये भी काफ़ी महंगा आता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसिव प्लांट है वो ये है, ये वो 900 बोले थे। वो तो मैंने बार्गेनिंग करी कि भैया 900 बच्चे की जान लोगे क्या, और ये वाला भी उन्होंने मुझे 700 बोला, तो 1000 रुपये का तो ये प्लांट है। दो 20 रुपये में कलियाँ लेके आओ, उनको बड़ा करो, वो अच्छा लगता है। 20 रुपए में भैया। हाँ, अभी अभी सुबह सुबह ये हो रहा है और यहाँ बन रही है हमारी चाय। चाय पीती नहीं हूँ पर मैं सिर्फ टोस्ट खाती हूँ चाय से। शेर जो है वो यहाँ पे सो रहा है, ये देखिए, और ये उसकी फर्स्ट बुक है हनुमान जी। इतनी क्यूट बुक है ये, बहुत ही क्यूट है और वो बहुत अच्छे से इसको देखती भी है। तो जैसे कि आपको पता है मैंने पूरी प्रेगनेंसी हनुमान चालीसा अपने पास रखी है, कैरी करी है, पढ़ी है डेली। तो मैं चाहती थी कि कुहू की भी जो फर्स्ट बुक हो वो कुछ हनुमान जी से रिलेटेड ही हो। चाहती थी मैं उसको ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स और एनिमल्स और अल्फाबेट्स ये सब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बट फर्स्ट आए मैं चाहती थी कि उसको जो मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ वो हनुमान जी होने चाहिए। उसको उसके अंदर आई एम जस्ट सोइंग द सीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि उसको हैबिट रहे शुरू से ही। तो यस, ये उसकी बुक है, बड़ी क्यूट बुक है। रात में उसको या तो विक्की दिखाता हुआ पढ़ाता है या मैं पढ़ाती हूँ। विक्की को जैसे रामायण के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, मतलब विक्की ने बहुत डीपली उसको चीज़ें पता है, तो वो जब रात में रहता भी है तो उसको बताता जाता है, कानों में डालता जाता है कि इसमें इतने अध्याय थे, फिर ऐसा था, वो वैसा था, ऐसी सब चीज़ें विक्की बताता रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके दिमाग में ये सब डालते रहें अच्छी अच्छी चीज़ें। बाकी तो देखो जब एक्सपोजर मिलेगा उसको तो वो अपनी चीज़ें सीख ही लेगी। कौन है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी बोलो। हनुमान जी Man is powerful, naughty, wise, and an ardent devotee of Lord Ram. Jai Hanuman. Man is wise. Surya, the sun god, was Hanuman's teacher. Due to Lord Brahma's boon, no weapons could hurt Hanuman. So, Jai Shri Ram. हम लोग even उसको tummy time में भी यही book दिखाते हैं। बाहर के प्लांट्स अभी मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी पूरा एकदम मेस्ड अप है, थोड़ा मैं ऑर्गेनाइज करूंगी फिर आपको मेकओवर दिखाऊंगी डायरेक्टली। तो ये अभी हम लोगों ने अमेज़न से कुछ सामान मंगवाया है, एक तो बाथटब है और साथ ही साथ एक दो और कुछ सामान है। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों के साथ में अनबॉक्सिंग करती हूँ कि कैसा सामान आया है। कूब यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग देखने वाली है। सो यस, लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। ये बड़ी हो जाएगी तो ये नीचे एक्सटेंड होता जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि इसके साथ जो बांधने वाला कुशन है वो मिसिंग है, और साथ ही साथ
जो ये प्रोडक्ट है ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ यूज्ड प्रोडक्ट, सो आई एम जस्ट पुटिंग अ रिप्लेसमेंट. बाकी मुझे लगा ओवरऑल बहुत अच्छा है. इसके काफ़ी बड़े हो रहे तक, मतलब 6-7 साल की हो जाएगी तब तक ये इसमें आराम से नहा सकेगी, तो हमेशा के लिए हो जाएगा ये, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो आई एम कीपिंग दिस वन, बट इसका मैं रिप्लेसमेंट डाल रही हूँ. अभी बज रहे हैं 7:00 और 7 बजे कुछ नहीं है, ये मैडम अभी सोई नहीं है, सोकर मतलब आधा घंटा पौन घंटा ही सोई है. थोड़ा इसका स्लीप साइकिल जो है वो भी गड़बड़ हो गया है, जो हमने बहुत अच्छा सेट किया था, तो अभी टाइम लगेगा, 10-12 दिन लगेगा उसको सेट होने में. लेटा दिया है और सामने सब लाइट्स है, तो ये उनसे बातें कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनको कह रहा है हाय हाउ आर यू. अब मैं बनाऊंगी रोटी, तो इसको अब हम लेके चलेंगे किचन में. ये मैडम चलेंगी अब कहाँ चलेंगी, किचन में चलेंगी, किचन में चलेगा ये बच्चा, किचन में चलेगा ये बच्चा, किचन में. और मैं बनाऊंगी तब तक रोटियाँ. अभी मैं आपको अपने किचन की हालत बताती हूँ. देखिए कितना ज़्यादा हो रखा है, यहाँ देखिए. तो अभी क्या हो रहा है, दो दो तीन दिन 4-4 डब्बे जो है वो डेली के मैं निकालती हूँ स्टोरेज वाले, धोने के लिए, वॉश करने के लिए. एंड धीरे धीरे हो रहा है, किचन में टाइम लगेगा क्योंकि किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. हाय गाइस, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. मेरी सोसाइटी में चल रहा है एनुअल फंक्शन, मतलब कल से स्टार्ट हो गया है, तो 2 से 3 दिन स्पोर्ट्स चलेंगे, मतलब चेस बैडमिंटन ये सब. कल बच्चों का हुआ था, आज बड़ों का होने वाला है, और कल डांस प्रोग्राम है, और उसके नेक्स्ट डे डिनर होने वाला है. तो अच्छा 3-4 दिन का फंक्शन है, बढ़िया माहौल हो जाता है शाम को. तो अभी क्या है कि लेडीज़ वगैरह सब परफॉर्म करते हैं, मतलब स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है बाकायदा, तो इट्स गुड. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. कुहू मैडम सो गई है, ये देखो इस पे सो रही है, उसकी डॉल्स के साथ सो रही है वो. तो मालिश हो गई है, शार ले लिया है उसने, सब कुछ हो गया है. मेरा अभी शार लेना बाकी है, मेरा अभी रूटीन नहीं बन पाया है. मैं बहुत आराम से चल रही हूँ, थोड़ा अंदर से बुरा भी लग रहा है कि एकदम वैसे टाइम टू टाइम काम नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है, लेट इट बी. तो आज मैंने क्या किया है, मैं ना रोज़ जैसे मैं सोचती बहुत सारे काम होती ये भी ये भी ये भी ये भी, अब जैसे किचन जा रही हूँ, किचन जाते जाते कुछ काम करने जा रही हूँ और याद आ जाता है तो कुछ और काम तो मैं करने वो लग जाती हूँ. तो मैंने आज से अपना वही चालू कर रही हूँ, मैं अपना टू डू लिस्ट मैंने बना करके रखी है, टिक करती जा रही हूँ कि आज मुझे यूट्यूब वीडियो लाइव करना था, फिर मुझे अपनी जो मेजरमेंट्स है, हम लोग आइकिया जाने वाले हैं तो मुझे यहाँ यहाँ के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं. तो बेसिकली आई एम थिंकिंग कि ये जो जगह है ना, ये स्पेस जो है यहाँ के लिए एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर ले लिया जाए, तो ये बहुत लटर्ड भी नहीं लगेगा, जगह भी रहेगी चलने की भी. तो वो जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर रहेगा वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा फॉर इसके स्टफ़ के लिए. मेरे वार्डरोब में भी जगह है, मैं रख सकती हूँ, बट चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स यहाँ पे हमको चाहिए ही. उसके बाद हमको एक लॉफ्ट, ओपन लॉफ्ट भी चाहिए थी, हमने बात के लिए रख के रखा था कि बाद में आराम आराम से जैसे जैसे ज़रूरत होती जाएगी वैसे वैसे सामान लेते जाएंगे. और जो ओपन लॉफ्ट होते हैं ना, जो ऊपर फ्लोटिंग वाले लॉफ्ट होते हैं, वो भी हम लोगों को सेकेंड मास्टर बेडरूम के लिए लगाना है. तो वो मेजरमेंट्स मैंने लिख करके रखे हैं कि किस किस मेजरमेंट के चाहिए. हम लोगों को बेड बनवाना है, तो अभी हम पहले जो हम सोच रहे थे वो बेड डिज़ाइन बिल्कुल फेल हो गई. कल विक्की और हम मार्किंग कर रहे थे तो हमको समझ में आया कि कमरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगेगा. तो अब लेट्स सी, फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ें कैसे क्या करना है, क्योंकि वो रूम भी रेडी करना है. धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है. आज मैंने लैपटॉप ऑन किया है 5 डेज़ के बाद, 5 डेज़ छोड़ो मतलब 15 दिन बाद ऑन किया है. तो आज मैं थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ, यही वाला वीडियो एडिट करने वाली हूँ, ताकि टाइम टू टाइम एटलीस्ट हफ्ते में 2 व्लॉग्स तो मेरे जाने ही लगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगना स्टार्ट करे, थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है. तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.